Assalamualaikum viewers, this is your host Hadika और आप देख रहे हैं हमसे जानो। Viewers, आज हम मौजूद हैं मोबाइल मार्केट में, जहाँ पे हम शॉपकीपर से जानेंगे मोबाइल्स के बारे में, जिनमें सैमसंग, ओप्पो, इन्फिनिक्स और वीवो के सरे फहरिस्त होंगे। हम शॉपकीपर से जानेंगे इनकी क्या खासियत है, क्या प्राइस है, और साथ साथ ये भी जानेंगे कि आने वाले वक्त में कौन सी जो एम फोन की सीरीज आने वाली है, कौन सी सीरीज कस्टमर्स के लिए बेस्ट है। चलते हैं। अवैस साहब, आप मुझे ओप्पो के मोबाइल्स के बारे में बताएं कि आपके पास क्या क्या वैरायटी होती है, कौन कौन से मॉडल हैं, कौन सा मॉडल सबसे अच्छा होता है। ओप्पो में काफी अच्छे मॉडल्स आते हैं। स्टार्टिंग प्राइस जो है हमारी 23,000 से स्टार्ट होती है। ओप्पो A16 4GB रैम और 64GB मेमोरी के साथ आता है ये, ठीक है। अगर हम इस टाइम जो हमारा फ्लैगशिप मॉडल चल रहा है, जो हमारा ट्रेंडिंग में है मॉडल सबसे ज़्यादा, वो ओप्पो F21 प्रो है। ये वाला 8GB रैम और 128GB मेमोरी के साथ आता है। इसमें डिफरेंट चीज़ ये है कि इसमें फाइबर ग्लास लेदर यूज़ हुआ है। अमूमन कंपनीज जो हैं प्लास्टिक यूज़ करती हैं या मेटल यूज़ करती हैं, इसमें हमारा फाइबर ग्लास लेदर है। आप इसको फील कर सकते हैं कि ये लेदर यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है। इसमें दो कलर आते हैं, एक कॉस्मिक ब्लैक और एक सनसेट ऑरेंज के नाम से। इसके बाद हमारे पास एक जो और अच्छी डिवाइस है वो ये है ओप्पो F21 प्रो 5G। इसमें भी दो कलर आते हैं, एक स्पेक्ट्रम रैम्बो है जो डिफरेंट एंगल पर आपको डिफरेंट शेड देता है, ठीक है। 1000 कलर कहते हैं इसको हम, इसमें 1000 कलर आते हैं डिफरेंट। और इसमें जो दूसरा कलर है ये कॉस्मिक ब्लैक के नाम से अगेन, और ये स्क्रैच लेस है। ये एंटी फिंगरप्रिंट भी है और स्क्रैच लेस भी है। जैसे हम अदर फोन देखते हैं, हम कैरी करते हैं तो हमारे फिंगरप्रिंट आते हैं, ऊपर निशान लग जाते हैं, बुरे लगते हैं। ये एंटी फिंगरप्रिंट है, इसके ऊपर निशान नहीं आते। और ये डुअल ऑर्बिक लाइट के साथ आता है लाइक दिस। ये देखें, इसके अंदर सिंगल ऑर्बिक लाइट है कैमरे में, और इसकी बैक साइड पर डुअल ऑर्बिक लाइट आती है दोनों कैमरास में। और एक और अमेजिंग फीचर है, अगर आप मैं आपको दिखा सकता हूँ, इसमें ऑर्बिक लाइट यूज़ की गई है विद माइक्रो लेंस। इसमें माइक्रो लेंस यूज़ हुआ है, ये आईफोन से अच्छा हम कह सकते हैं इसको लाइक दिस। ये देखें, इसमें 30x तक का जूम है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और मज़े की चीज़ ये है कि ये ऑर्बिक लाइट इसके साथ वर्क करती है। सर, क्या प्राइस है इसकी? ये 70,000 का है। 8GB रैम है इसमें, 128GB मेमोरी है, और 5GB रैम इसमें एक्सटेंड भी हो जाती है। मतलब अगर आप अच्छे गेमर हैं तो आप इसके ऊपर 5GB रैम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ताकि आपकी स्मूथली गेम चले, हैंग ना हो। स्नैपड्रैगन का 680 का प्रोसेसर इसमें यूज़ हुआ हुआ है, तो इसके सॉफ्टवेयर की तरफ से ये मुतमिन है। ओप्पो स्टार्टिंग से आपको पता है कि ओप्पो का एक नाम है, एक स्लोगन है ओप्पो का कि ओप्पो कैमरा फ़ोन है। कैमरे की तरफ से ओप्पो आप बीट करता है हर ब्रांड को, हर मोबाइल को कैमरे की तरफ से बीट कर देता है। हमारा कैमरा बेस्ट है हर लिहाज से। और अब ओप्पो ने वर्किंग की है, जैसे ऑलराउंडर हम कह सकते हैं अपने फ़ोन को, ओप्पो ऑलराउंडर है। इसके ऊपर आप गेमिंग अच्छी कर सकते हैं, फोटोग्राफी अच्छी कर सकते हैं, और अगर आप बिज़नेस करते हैं, अगर आपकी कोई हैवी ऐसी फाइल्स है जो आप फ़ोन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, अक्सर फ़ोन हैंग हो जाते हैं। बट इसकी अब ओप्पो जो है लाइफ टाइम की सॉफ्टवेयर की वारंटी देता है आपको, कि आप लाइफ टाइम फ़ोन यूज़ करें, आपको सॉफ्टवेयर की तरफ से किसी किस्म का कोई मसला नहीं आने वाला इसमें। सर, इसके अलावा कस्टमर्स क्या चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं ओप्पो की? कस्टमर आजकल आपको पता है, कस्टमर की एक ही डिमांड होती है कि सोशल मीडिया का दौर है, कस्टमर को एक ही चीज़ चाहिए, कैमरा चाहिए कस्टमर को, कस्टमर ने कैमरा यूज़ करना है। तो ऑफिशियली हम आपको बता चुके हैं कि ओप्पो का एक स्लोगन है, ओप्पो कैमरा फ़ोन है। 5G मॉडल है ये, इसके अंदर 12GB रैम है और 256GB इसकी मेमोरी है, इंटरनल स्टोरेज जोन्स ये, ठीक है। और बेहतरीन डिवाइस है ये, एजेस में आती है, ठीक है। इसका कैमरा हम आपको मिसाल अगर दें, हम कंपेरिजन करें, तो हम कहते हैं DSLR आपकी पॉकेट में है, ये वो कैमरा देगा आपको। इसमें 64 मेगापिक्सल का कैमरा आता है, +8, +2, and 2। इसमें यानी कि 4 लेंस आते हैं जो मुख्तलिफ तरीके से वर्क करते हैं। अल्ट्रा वाइड एंगल होता है इसमें, डेप्थ सेंसर होता है इसमें, 64 मेगापिक्सल का इसमें जो एक्चुअल कैमरा होता है वो है। और सर, इसकी क्या प्राइस है? ये 120 का है। और इसके अलावा जो आपने अभी पहले फ़ोन दिखाया, ये वाला और ये, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, आप रैम रोम का भी डिफरेंस कह सकते हैं, जिसमें 8GB रैम है, इसमें 12GB रैम है। इसमें 128 इसकी मेमोरी है, इसमें 256GB इसकी मेमोरी है। प्रोसेसर का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, इसके अंदर स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर यूज़ हुआ हुआ है जो गेमिंग प्रोसेसर है, और इसके अंदर मीडिया टेक का डायनामिस्टिक 1200 प्लस का प्रोसेसर यूज़ हुआ हुआ है। यानी कि अगर आप कहें तो ये आपका फ़ोन हैंग नहीं होगा हर लिहाज से। इसके ऊपर आप बिज़नेस कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स फाइल्स यूज़ कर सकते हैं, गेमिंग कर सकते हैं, स्मूथली चलेगा, और सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। हमारा जो ये वाला फ़ोन है, इसके अंदर भी इन डिस्प्ले आता है फिंगरप्रिंट, और इसमें भी इन डिस्प्ले ही आता है। ओप्पो की एफ सीरीज़ भी अच्छी है, बट जो रेनो सीरीज़ है कस्टमर वेट करते हैं उसका। मतलब अगर 2 महीने बाद भी लॉन्च होना है तो कस्टमर 2 महीने उसके लिए रुक जाते हैं। हमारी जो सबसे फेमस और अच्छी सीरीज़ है जो ओप्पो को एक बुनियाद देती है, वो रेनो सीरीज़ है। हर कंपनी जो उनकी ना अपनी एक ऐसी चीज़ निकालती है जिसके ऊपर वो सबसे ज़्यादा फोकस करती है। अगर किसी और मोबाइल में कोई कमी रह भी जाए तो वो उस फ़ोन में कमी नहीं छोड़ते। हमारी रेनो सीरीज़ ऐसी है कि आपका कैमरा, आपका प्रोसेसर, आपकी बॉडी, आपकी जो ओवरऑल एवरीथिंग जो कुछ भी है, इसके अंदर वो कंप्लीट करके भेजते हैं। ये ओवरऑल पैकेज है एक ओप्पो का। जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है और जो शॉर्ट है अच्छे तरीके से मार्केट में शॉर्ट है, वो इस टाइम एफ सीरीज़ का ये है, F21 Pro 4G। इसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है। उसकी रीज़न ये है कि आपको पता है सोशल मीडिया और सबसे बड़ी चीज़ जो उसकी होती है पोस्टर्स, सोशल मीडिया पे इसके पोस्टर लगाए गए हैं, वीडियोस दी गई हैं,
इसकी हाइप ओवरऑल ज़्यादा क्रिएट हुई है और ये हिट मॉडल है हमारा। क्या इनफरादियत रखते हैं वीवो के फोन्स बाकी कंपनीज के मोबाइल से? वीवो ने अपने शुरू से मोटो रखा कैमरा एंड म्यूजिक, और इनके फोन्स में काफ़ी कैमरा की वजह से भी काफ़ी आवाम इनको लाइक करती है। ज़्यादा इन्होंने फोकस कैमरा पर और म्यूजिक पर रखा हुआ है, इस वजह से इनके ज़्यादा फोन सेल आउट होते हैं। अगर इसकी बैटरी की बात की जाए, स्टोरेज की बात की जाए, जी डिफरेंट मॉडल्स में डिफरेंट स्टोरेज है। बैटरी ऑलमोस्ट सब फोन्स में ही 5000 mAh की आ रही है, और डिफरेंट मॉडल है इनके 232 से स्टार्ट होता है, 12 to 56 GB तक जाता है इनका फ़ोन। कोई न्यू सेट आया हो, कोई न्यू सीरीज लॉन्च हुई हो, उसके बारे में बताएं। इनका ये Y55 आया है मॉडल, ये नए कैमरा डिज़ाइन में इन्होंने दिया है। ये 8128 के साथ आया, बड़ा ज़बरदस्त फ़ोन है। इसकी चार्जिंग भी बहुत अच्छी है, जैसे आप बैटरी का कह रही थी, स्क्रीन भी बहुत अच्छी है इसकी। सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया है इन्होंने, इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट के साथ, बहुत ज़बरदस्त फ़ोन है इनका। क्या प्राइस है इसकी? ये ऑलमोस्ट 58,000 का है। ये इनका TVC भी चलता है, और इनकी मुख्तलिफ जगहों पर ब्रांड बिलबोर्ड्स भी लगे हुए हैं, तो इनकी जो है ना अच्छी है, एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी करते हैं सर। और जब कस्टमर्स आपके पास वीवो के मोबाइल्स परचेस करने आते हैं तो उनकी क्या डिमांड होती है? उनकी यही डिमांड होती है कि मुझे कैमरा अच्छा चाहिए, और जो स्पेक्स जो सी है ना ज़्यादा अच्छी चाहिए, मतलब कि रैम मेमोरी की तरफ जाते हैं, और कैमरा ज़्यादा जो ना वो प्रेफर करते हैं कस्टमर। सर वीवो के जो मोबाइल्स होते हैं, क्या वो बाकी मोबाइल्स की नस्बत अफोर्डेबल होते हैं? जी जी अफोर्डेबल तो हैं, लेकिन अभी रिसेंटली जैसे डॉलर की प्राइस फ्लक्चुएट हो रही है ना, उसकी वजह से काफ़ी प्राइस में डिफ्रेंशिएट है, लेकिन अफोर्डेबल हैं फिर वैसे भी। वीवो के मोबाइल्स हैं, उनकी सबसे अच्छी सीरीज़ कौन सी है? सबसे अच्छी सीरीज़ तो इनकी X सीरीज़ है, लेकिन वो टॉप ऑफ द लाइन आ जाती है। लेकिन अगर आप प्राइस रेंज और क्वालिटी की बात करेंगे तो इनकी V सीरीज़ और Y सीरीज़ बहुत अच्छी हैं दोनों। जब कस्टमर्स आपके पास मोबाइल्स परचेज करने आते हैं तो आप उनको कौन सी सीरीज़ रेकमेंड करते हैं? ज़्यादातर कस्टमर की प्राइस रेंज तो मिड रेंज होती है, जिसमें Y और V सीरीज़ आ जाती हैं, वो V और Y की तरफ ही जाते हैं। अभी इनकी X सीरीज़ आ रही है, लेकिन वो प्राइस में थोड़ी सी हाई है, लेकिन उसकी इनमें वाई सीरीज़ में भी अच्छी डिवाइसेज आ रही हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वाई सीरीज़ और वी सीरीज़ की तरफ भी जाएं। अभी डिफरेंट मॉडल्स आ रहे हैं, नेक्स्ट मंथ भी 2-3 मॉडल्स आ रहे हैं इनके, अभी फ़िलहाल ये Y55 आया है। सर इसके अलावा जो वीवो के मोबाइल्स होते हैं, अगर ख़राब हो जाते हैं तो क्या कंपनी अपने कस्टमर्स को कोई रिलैक्सेशन देती है? जी जी इनकी 1 ईयर की जो सी है वो वारंटी होती है, और लाइफ टाइम ये सॉफ्टवेयर की वारंटी देते हैं, और 6 मंथ्स की ये एक्सेसरीज़ की अपनी वारंटी देते हैं। इनफिनिक्स के मोबाइल्स के बारे में बताएं कि इनमें आपके पास क्या क्या वैरायटी होती है? ये 2GB 32GB से लेके 8256 तक के हैं, ये 19,000 से लेके 65,000 तक के फ़ोन हैं, और इसमें कैमरा और गेमिंग प्रोसेसर इसके बनाए जाते हैं। जैसे ये 2GB 32GB सबसे सस्ता फ़ोन है 19,500 रुपये में, उसके बाद ये है हॉट 11 प्ले 4/64 में है 25,500 रुपये का, उसके बाद ये है हॉट 12 है ये 33,000 का है। ये गेमिंग फ़ोन है ना स्पेशली बनाया है, इसकी रैम भी एक्सटेंड हो जाती है 11GB रैम के साथ। इसमें रैम रोम का फ़र्क है और बैटरी का है, इसमें जो सा है प्रोसेसर का फ़र्क है और रैम का फ़र्क है। ये स्पेशली जो सा ये फ्री फायर को जो सा स्पॉन्सर कर रहे हैं। कैमरा इसका जो सा है ये है 108 MP के साथ है, इसका जूम जो सा है वो 50-60x जूम के साथ है, और इसका सबसे खासियत जो सी है VIP जो सा है इसका 120W का फास्ट चार्जर जो 17 मिनट में 100% फुल करता है बैटरी। फिर इसके अलावा जो कस्टमर्स आपके पास आते हैं इनफिनिक्स के मोबाइल्स खरीदने, उनकी क्या डिमांड होती है, किस तरह के मोबाइल्स, क्या क्या क्वालिटीज़ वो पसंद करते हैं? वो प्रोसेसर, रैम और उसके बाद कैमरा, ये जो सा सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और कस्टमर्स की क्या रेंज होती है? मिनिमम प्राइस जो सी उनको चाहिए होती है वो 26 से 40 के अंदर चाहिए होता है। यानी कि 26 से 40 के अंदर उनको उनके सारे डिज़ायर्स मिल जाती हैं इनफिनिक्स के मोबाइल में? जी मिल जाती है, लो प्राइस में सबसे अच्छी क्वालिटी और रैम रोम के साथ है ये। सर इसके अलावा इनफिनिक्स की कोई सीरीज जो बहुत अच्छी हो, जो आने वाली हो? हमारी नई सीरीज आ रही है 020 आ रही है, वो जो थी उसके प्रोसेसर और कैमरा वगैरह काफ़ी अच्छा उन्होंने बनाया, अभी उसकी प्राइजेज उन्होंने बताई नहीं है पर ट्रेनिंग उसकी हो गई हुई। नई सीरीज़ आ रही है उसमें और जो ये वाली सीरीज़ है इनमें क्या डिफरेंट होगा? शेप का डिफरेंट होगा और डिस्प्ले साइज़ का होगा और रेजोल्यूशन का फ़र्क होगा। सर इसके अलावा जो इनफिनिक्स के मोबाइल्स होते हैं उनकी मैक्सिमम प्राइस क्या होती है? लो प्राइस जो है 19,500 रुपये और मैक्सिमम प्राइस जो है 65,000 है, ये वाला मॉडल है। सर आप मुझे सैमसंग के मोबाइल्स के बारे में कुछ बताएंगे? सैमसंग के मोबाइल्स के बारे में अभी रिसेंट इनकी न्यू सीरीज़ लॉन्च हुई है A सीरीज़ के हवाले से,
ए सीरीज़ इसकी डिफरेंट प्राइजेस के साथ इसके फ़ोन मॉडल्स आ रहे हैं इसके, कुछ मॉडल इसके 30 अंडर 30 भी है और कुछ जो हैं वो अंडर 450 भी हैं। इस तरह प्राइजेस स्टेप बाय स्टेप अबव होती जाती हैं, डिफरेंट प्राइज में 1 लाख प्लस तक भी जाते हैं। इवन कि 17 to 18 ईयर्स पुराना ब्रांड है, काफ़ी पुराना ब्रांड है। जो सैमसंग के मोबाइल्स होते हैं उनकी क्या इनफरादियत होती है बाकी मोबाइल्स की निस्बत? सैमसंग के मोबाइल्स जो हैं वो बिल्ड क्वालिटी वाइज जो है अदर ब्रांड से काफ़ी अच्छी होती है। सॉफ्टवेयर इनका इंटरफेस जो है वो काफ़ी अदर ब्रांड से काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। डिफरेंट चीज़ें हैं इसमें, इसकी जो अपने बिल्ट इन फीचर्स हैं वो बाकी ब्रांड्स की निस्बत काफ़ी अच्छे हैं। और सर कस्टमर्स क्या चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं सैमसंग में? एक तो कस्टमर इनकी बिल्ड क्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा लाइक करते हैं, इनको पता होता है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, ये ऑलमोस्ट हैक वगैरह नहीं होगा, लैक नहीं होगा, सॉफ्टवेयर इसका क्रैश नहीं होगा। इन चीज़ों को ज़्यादा लाइक करते हैं कि एक ब्रांड है ऑफिशियल चाइनीज़ फ़ोन है। उन्होंने 4 GB रैम बताई तो ऑलमोस्ट होती है 2 GB है। इनमें यह है कि रैम जो एग्जैक्ट बताई जाती है उस परफॉर्मेंस वाइज वो रैम एग्जैक्ट होती है। इसके कैमरा नेचुरलिटी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल क्लियर आपको नेचुरल रिजल्ट देता ही है और ब्राइट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बैटरी परसेंटेज, बैटरी बैकअप भी इनका अच्छा जा रहा है। लिथियम पॉलीमर टेक्नोलॉजी आ गई बैटरीज़ में, वो बैटरीज़ के हवाले से काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। सर जो सैमसंग का सबसे लो लेवल का फ़ोन होता है उसकी क्या प्राइस है और कौन सा मॉडल है? सैमसंग का लो लेवल का मॉडल है A03, रिसेंटली भी ए सीरीज लॉन्च हुई है, उसका सबसे मिड रेंज का जो मॉडल है वो है। सर उसकी क्या प्राइस होती है? 30। जी तो व्यूवर्स, जैसा कि आपने देखा हमने सैमसंग, ओप्पो, वीवो और इन्फिनिक्स के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन से आपको आगाह किया। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचे। हमें दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।